झारखंड में 24 मार्च से मैट्रिक और इंटर की परीक्षा शुरू हो गई है। बोकारो जिले में इसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। इस वर्ष कोरोना के कारण सबसे अधिक परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। जिला में अब तक मैट्रिक इंटर को मिलाकर 44 परीक्षा केंद्र बनाए जाते थे, लेकिन इस वर्ष 66 केंद्र बनाए गए हैं। मैट्रिक का परीक्षा केंद्र स्तर पर बढ़ाया गया है, जबकि इंटर का परीक्षा केंद्र अनुमंडल स्तर पर भी बनाया गया है। जिला शिक्षा पदाधिकारी नीलम आलिन टोपो ने बताया कि मैट्रिक के 24,710 और इंटर के 19,165 परीक्षार्थी इसमें शामिल होंगे। जिला शिक्षा पदाधिकारी ने बताया कि स्कूलों में बेंच, पेयजल, शौचालय, कैमरा आदि की व्यवस्था को आवश्यकता के संबंध में सभी केंद्र अधीक्षकों को आवश्यकता दिशा निर्देश दिया जा चुका है। अगर किस प्रकार की कमी हो तो उसे दूर करने का भी कहा गया है। उन्होंने कहा कि कदाचार मुक्त परीक्षा के लिए जल्द ही एक जिला स्तरीय बैठक भी आयोजित होगी। उन्होंने बताया कि जेट में आए सभी कागजातों को परीक्षा केंद्रों में भेजने का भी काम किया जा रहा है। इस वर्ष की वार्षिक माध्यमिक एवं इंटरमीडिएट परीक्षाओं के लिए हम लोगों के यहाँ तैयारियाँ पूर्ण हो गई हैं। जैसे 66 सेंटर इस बार मैट्रिक के एग्ज़ाम के लिए हैं और इसमें करीब हमारे 24,000 के आसपास बच्चे बैठेंगे। उसी तरह इंटरमीडिएट के लिए 19,165 बच्चे भाग लेंगे इसमें और 40 सेंटर निर्धारित किए गए हैं। क्वेश्चंस पेपर की जहाँ तक बात है, हमारे दोनों ट्रेजरी में क्वेश्चन पेपर आ चुके हैं और आज हम लोग जो रोल सीट है और बच्चों का ओएमआर सीट है वो भी वितरित कर दे रहे हैं। एक तरह से जो जैक के तरफ से जो भी चीज़ें आनी थी मटेरियल, वो हम लोग सेंटर सुपरिंटेंडेंट को दे दे रहे हैं। इसके साथ ही हम लोगों ने एक शुरुआती बैठक सेंटर सुपरिंटेंडेंट के साथ कर ली है, जिसमें केंद्रों में जो भी आवश्यक व्यवस्था है, चाहे वो सीटिंग प्लान हो या फिर वीक्षक की आवश्यकता है, कैमरों को ठीक करने की ज़रूरत है, वो सारा आकलन उनको भी कर लेने के लिए कहा गया है। और अंतिम रूप से हम लोग संभवतः आज कल या परसों एक बैठक उपायुक्त और एसपी साहब के साथ भी लॉ एंड ऑर्डर इशू को लेकर के करने वाले हैं। तो एक तरह से जिले की तैयारी पूरी हो चुकी है और ये हम लोग आशा करते हैं कि बच्चों को कोई असुविधा ना हो।